हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको चाइना किट का हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, यह एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिलेगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हो, मेरा पास एक चाइना का किट है, चाइना CRT PCB, और इसका जो मेन प्रोसेसर IC है 8088 का IC है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत सब कुछ टीवी के अंदर ही देखा जाता है, लेकिन दोस्तों सिम्टम जो होता है वो जो देखने को मिलता है वो एक स्क्रीन पर, मैं आपको लाइन दिखे एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ, ये मैं सब कुछ कनेक्शन करके ही रखा है। ये PCB मेरा दोस्त मेरा पास ये भेजा है और ये रिपेयरिंग करने के लिए। तो दोस्तों, मन में लगता है कि इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना देगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, मैं लाइन दे दिया और देने के बाद देखिए स्क्रीन पर ये जो लाइन, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन आ गया, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल लाइन होता है। तो दोस्तों, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखा जाता है तब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जब इस तरह लाइन देखेगा, लेफ्ट और राइट साइड ट्यूबलाइट जैसा लाइट, तो ये जो प्रॉब्लम ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखेगा तो आपको वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट ही आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसका जो हॉरिजेंटल साइज, लेफ्ट और राइट साइज जो होता है, ये दोनों साइज लाइट बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ऊपर नीचे लाइट नहीं है, एक्चुअली ऊपर नीचे का जो सेक्शन होता है ये वर्टिकल सेक्शन होता है। तो इसीलिए ऊपर नीचे ये पूरा लाइट को ओके करने के लिए आपको वर्टिकल सेक्शन पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह जो प्रॉब्लम होता है, मैं सेट को स्टॉप कर देता हूँ, मैं स्टॉप कर दिया। तो इसलिए आपको जो फर्स्ट देखना पड़ेगा, ये देखिए जो योक होता है, ठीक है। तो ये योक का ये सामने वाला दो पॉइंट, ये हॉरिजेंटल का योक कॉइल का वायर होता है, ठीक है। और ये पीछे जो योक कॉइल का जो पॉइंट है ये वर्टिकल योक कॉइल का पॉइंट होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये वायर अधिकतर देखा जाता है कि टूट जाने के बाद इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है, तो दोस्तों ये हो सकता है। और ये जो लाइन PCB पर जाता है, ठीक है दोस्तों, मैं ये तो अलग ट्यूब पर कनेक्शन करके टेस्ट करता हूँ। तो ये जो दो पॉइंट, कभी कभी ये टूट जाने के बाद इस तरह प्रॉब्लम दिखा जाता है। और दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल का योक कॉइल का ये कुछ भी तार टूट जाएगा तो आपको ऊपर और नीचे लाइट दिखने को मिलता है, ठीक है। और ये कॉइल है, अधिकतर ये कॉइल फॉल्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप ऊपर से नीचे जो लाइट टाइप जो प्रॉब्लम, जो वर्टिकल लाइन होता है वो प्रॉब्लम देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाया, वो प्रॉब्लम जब आएगा तो आपको थोड़ा वोल्टेज नॉलेज ज़रूर होगा, आपको थोड़ा वोल्टेज नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसीलिए ये जो प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट आपको ये वर्टिकल सेक्शन का जो मेन सप्लाई है आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टिकल सप्लाई, इसके अंदर जो वर्टिकल IC है 7840 वर्टिकल IC है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वर्टिकल IC का कुछ कुछ सेट पर ओनली एक प्लस सप्लाई देखा जाता है, और कुछ कुछ सेट पर एक नेगेटिव 14 वोल्ट सप्लाई और एक पॉजिटिव 14 वोल्ट सप्लाई देखा जाता है। तो दोस्तों, सभी वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसका वोल्टेज ओके है, ठीक है, और इसका IC भी ओके है, तो ये एक अलग सा प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा वोल्टेज मैं चेक करके देखा है, तो आपको किस तरह ये PCB को रिपेयर आप कर सकते हो, इस तरह प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों। ये एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए आप ये वीडियो इसकी मात कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया है, और मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मैं पिक्चर ट्यूब का बॉडी का साथ, नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, दोबारा मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, मैं लाइन दे दिया और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए। मैं लाइन दे दिया है और उसके बाद देखिए इस तरह ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो दोस्तों इसीलिए तो फास्ट वर्टिकल आईसी का सप्लाई चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वर्टिकल सप्लाई का जो आई सप्लाई जो होता है, ये जो फास्ट ये जो डायोड है, यह 110 वोल्ट का लाइन का डायोड है। आप मीटर पर देख सकते हो यह 110 वोल्ट ओके है, ठीक है। यह 110 वोल्ट लाइन का डायोड है और इसका नीचे एक डायोड है, यह से एक सप्लाई आउटपुट होता है। तो दोस्तों ये देखिए 28 वोल्ट ओके है, ठीक है। और ये जो सप्लाई ये डायरेक्ट जाता ही है डाइवर ट्रांसफार्मर पर, ठीक है। ये डाइवर ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों वोल्टेज थोड़ा डाउन है क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस है। और उसके बाद ये जो सप्लाई लाइन देखिए जो रेजिस्टेंस है, ये डायरेक्ट यहाँ से ये वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया जाता है। वर्टिकल आईसी को ये पिन पर सप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों इसका वोल्टेज 28 ये ओके है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक डायोड है, ये डायोड से एक सप्लाई वर्टिकल आईसी को और एक पिन पर जाता है। देखिए ये पिन पर 27 वोल्ट ओके है, ठीक है। और वर्टिकल जो आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट पर, ये जो आउटपुट पर वोल्टेज देखिए 16-17 वोल्ट के आसपास ये ओके है। और ये पिन पर वोल्टेज दोस्तों ये सेम होना चाहिए क्योंकि इसका कॉइल कनेक्शन है अभी। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों इस तरह प्रॉब्लम आप कैसे रिपेयर करें, तो दोस्तों देखिए, तो मोबाइल को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और प्रॉब्लम देखिए अभी तक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों तब भी आपको जो जो वोल्टेज मिली चेक करना पड़ेगा। आपको मेमोरी सप्लाई वोल्टेज एक बार चेक करके देखाता हूँ, ठीक है। मेमोरी का नंबर पिन पर देखिए 5 वोल्ट ये ओके है, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट अलग सा 5 वोल्ट है, लेकिन दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद एक अलग सा 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है दोस्तों। तो वो 5 वोल्ट कौन पिन पर जाता है, दोस्तों देखिए ये जो प्रोसेसर आईसी है, प्रोसेसर आईसी का 36 नंबर पिन पर ये वोल्टेज जाता है। दोस्तों ये 36 नंबर पिन है, दोस्तों देखिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये वोल्टेज यहाँ पर 47 नंबर एक पिन है, ठीक है। ये जो लाइन जाता है आपको दिखाता हूँ, देखिए अब थोड़ा सा रुकिए, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44। दोस्तों ये 47 नंबर पिन, देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज कुछ भी नहीं है। दोस्तों एक्चुअली ये वोल्टेज कहाँ से आता है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये जो 5 वोल्ट एक्चुअली ये ट्यूनर पिन पर एक 5 वोल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। ये ट्यूनर पिन पर भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट कब आएगा, जब ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन होगा। ऑन होने का बाद एक साथ ये पिन पर 5 वोल्ट आएगा और उसका साथ एक 8 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों वो 8 वोल्ट देखिए, ये जो आरजीबी सिग्नल आउटपुट पॉइंट है, जो आईसी से आउटपुट होता है, यहाँ पर ये जो लाइन है देखिए, यहाँ पर 8 वोल्ट ओके है। दोस्तों ये आई के वोल्टेज बेस बोर्ड पर जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है, तो स्टैंड बाई से ऑन है, स्टैंड बाई से ऑन है, तो इसीलिए आपको ये 8 वोल्ट जो दिखाया, ये स्टैंड बाई ऑन होने का बाद ही मिलता है। और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये पिन पर 5 वोल्ट मिलता है, लेकिन दोस्तों ये पिन पर 5 वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फॉल्ट अभी है, तो ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करें। तो इसलिए मैं मोबाइल को थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लेता हूँ, ओके। तो दोस्तों मैं मोबाइल कैमरा को थोड़ा सा सेट किया और दोबारा मैं सप्लाई दे के आपको दिखाऊंगा कि ये जो ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट जाता है और ये जो आईसी का दो पिन पर 5 वोल्ट जाता है, ये कहाँ से जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है, दो ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये दो ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होता है और एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रेगुलेटर सेक्शन है, ये रेगुलेटर आईसी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो दो ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर अलग तरह से कंपनी डिजाइन किया है। ये ट्रांजिस्टर से स्टैंड बाई ऑन होने के बाद फिक्स्ड 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं थोड़ा सा वोल्टेज चेक करके आपको फिर भी दिखाता हूँ।
दोस्तों देखिए, ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, देखिए ये ट्रांजिस्टर पर देखिए 8 वोल्ट ओके है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, 8 वोल्ट ओके है और इसका सप्लाई 8 वोल्ट है। और ये ट्रांजिस्टर का देखिए 5 वोल्ट नहीं है और ये पिन पर दोस्तों देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए मैं दोबारा सेट को स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों मैं स्टॉप कर दिया, तो इसीलिए अधिकतर जो फॉल्ट होता है दोस्तों, एक्चुअली मेनली जो 5 वोल्ट लाइन होता है, ठीक है, मेनली जो 5 वोल्ट लाइन होता है, तो ये 5 वोल्ट लाइन है, ये लाइन जिस जिस सेक्शन पर जाता है, जो जो सेक्शन पर जाता है, वो सब कुछ सेक्शन को आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ ये लाइन का अंदर, लाइन का साथ जो जो पार्ट्स कनेक्शन है सबको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही डाउट बात है, तो इसका अंदर तो बहुत कुछ पार्ट्स है, कैसे चेक करूँगा ये तो डाउट बात है, तो इसलिए आपको सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा, ठीक है। तो अधिकतर जो जो पार्ट्स फॉल्ट होता है ये आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर खुद भी प्रॉब्लम हो सकता है और ये ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग पार्ट्स होता है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। बायसिंग पार्ट्स मतलब क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर का जो तीनों पिन होता है इसका सप्लाई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका जो तीनों पिन के साथ जो जो पार्ट्स है वो अधिकतर जो पार्ट्स ग्राउंड का साथ कनेक्शन है वो शॉर्ट होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ये जो सप्लाई जाता है, ये सप्लाई तो आपको दिखाया फर्स्ट, ये सप्लाई 5 वोल्ट ये ट्यूनर का ये पिन पर आता है, ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है। और दोस्तों ये जो लाइन देखिए बीच में जो जम्पर है, ये लाइन ये आईसी का 36 नंबर पिन पर आता है। तो दोस्तों ये आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, ये आईसी का 47 नंबर पिन पर वोल्टेज आता है, तो दोस्तों ये पिन भी शॉर्ट हो सकता है, दोस्तों आईसी भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों और ये जो 5 वोल्ट लाइन जो जाता है, अब देखिए आपको ट्रैक करके दिखाता हूँ, देखिए जो लाइन जाता है ये बीच में एक जम्पर है और ये जो लाइन जाता है, देखिए ये जो लाइन जाता है, अब ध्यान से देखिए बीच में यह कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो लाइन देखिए जो जाता है बीच में एक जम्पर है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इधर से। तो दोस्तों ये जो लाइन जाता है देखिए, यह एक जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो लाइन देखिए जो जाता है, ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन, यह कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह आपको सब कुछ एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों तो इसीलिए फर्स्ट आपको जिस पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है वो पिन का आपको ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों किस तरह आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये आईसी का ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है, तो फर्स्ट ये ट्रांजिस्टर का, सॉरी ये आईसी नहीं है, ट्रांजिस्टर का ये जो आउटपुट पिन है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट पिन को आपको इस तरह सेफ एक पिन को ही आपको ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए मैं ये जस्ट ये पिन को ओपन काट देता हूँ, आपको ध्यान से और धीरे से ये पिन को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ये पिन फॉयल लाइन का साथ टच ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये पिन को मैं ओपन काट दिया, ठीक है, और उसका बाद फर्स्ट देखूंगा ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट आउटपुट होता है कि नहीं, ठीक है। और अब मीटर पर फॉलो कीजिए, मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ। दोस्तों मैं लाइन दे दिया, फर्स्ट एक बार देख लेता हूँ इसका 8 वोल्ट ये ओके है, ठीक है। और ये पिन ये ट्रांजिस्टर का पिन पर देखिए मैं टच किया, देखिए इसका ट्रांजिस्टर का पिन पर 5.5 वोल्ट देखा जाता है, क्योंकि अनलोड कंडीशन पर है। दोस्तों क्या लगता है, ये ट्रांजिस्टर ओके है और ये ट्रांजिस्टर का जो बायसिंग सेक्शन पार्ट्स ये ओके है। अब देखिए 5.5 वोल्ट ये देखा जाता है। तो दोस्तों उसका बाद मैं सेट को स्टॉप कर देता हूँ, आपको क्या देखना पड़ेगा। तो ये लाइन को मैं कनेक्शन काट देगा, ठीक है, तो कनेक्शन काट देता हूँ, तो आपको एक डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि ये सेक्शन ओके है, रेगुलेटर सेक्शन ओके है, ठीक है। और ये जो सप्लाई जाता है ये ट्यूनर पिन पर और ये आईसी का 36 और 47। तो दोस्तों ये आईसी भी अधिकतर फॉल्ट होता है, आईसी शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के बाद वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं ये दोस्तों 30 ये लास्ट नंबर 32, ठीक है, और उसके बाद ये 33 34 35 और ये 36 नंबर पिन है।
ठीक है, आपको लाइन ट्रैक करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्यूनर लाइन है, ये ट्यूनर लाइन से ये जो लाइन जाता है, ठीक है, ये जो लाइन ये देखिए, ये पिन, ठीक है, ये पिन को मैं ओपन कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये पिन को ओपन करने का बाद वोल्टेज आ जाएगा, तो आपको कॉन्फर्म होना चाहिए कि ये आईसी शॉर्ट है, तो दोस्तों आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इस तरह आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको लाइव ही देखने की कोशिश करता हूँ, अब थोड़ा सा रुकिए। देखिए ये आईसी का पिन मैं ओपन देखिए काट दिया, और उसका साथ इसका जो 47 नंबर पिन, ठीक है, देखिए आपको लाइन ट्रैक करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन जाता है, ठीक है, ये 36, और ये जो लाइन ये देखिए, ये पिन पर देखिए पर पिन है +5 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट ड्रॉप है, तो ये पिन को ओपन करना पड़ेगा। आपको बहुत क्लियर करके ये पिन को ओपन करना पड़ेगा, फॉयल लाइन के साथ टच होगा तो आपको क्लियर ये वोल्टेज चेक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी बात बताने के लिए मुझे को बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ये पिन को मैं ओपन कर दिया, और इसके साथ दो पिन तो ओपन हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली मैं वोल्टेज चेक करूँगा, ठीक है, 5 वोल्ट जस्ट चेक करूँगा। तो दोस्तों देखिए दो पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है, और ये पिन को मैं कनेक्शन कर दिया रेगुलेटर का, और उसके बाद वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सप्लाई दे देता हूँ, दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है, और उसके बाद ये ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों वोल्टेज अभी नहीं है, ठीक है, तो आईसी का पिन तो मैं ओपन कर दिया। तो चलिए इसका 8 वोल्ट रेगुलेटर पर वोल्टेज देखिए, 8 वोल्ट ओके है, ठीक है, और जिस पिन पर 5 वोल्ट दोस्तों देखिए फिर भी ये ड्रॉप हो गया, क्योंकि मैं ये कनेक्शन काट दिया। तो दोस्तों मैं सेट को स्टॉप कर दिया है, दोस्तों क्या लगता है, तो एक्चुअली ये आईसी शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये जो 5 वोल्ट का जो लाइन है, ये लाइन को पूरा चेक करना पड़ेगा। बीच बीच जो कैपेसिटर आपको देखा है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये जो सप्लाई एक ट्यूनर का पिन पर जाता है, ये ट्यूनर का ये 5 वोल्ट पिन पर को आपको ओपन करके एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये ओपन करके चेक करके देखने के बाद वोल्टेज ये लाइन पर नहीं मिलेगा, तो बाकी जो कैपेसिटर है वह भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ठीक है, एक बार ट्यूनर का जो 5 वोल्ट पॉइंट है, ये जो पिन है, ये पिन को एक बार ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये ओपन कर दिया, और उसका साथ ये जो आईसी का अलग अलग पिन में ओपन करके रखा है, ये मैं सब कुछ कनेक्शन कर देता हूँ अभी, क्योंकि मैं तो आईसी ओके ये तो कॉन्फर्म हो गया। तो एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम 5 वोल्ट ड्रॉप है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं कनेक्शन कर दिया, आईसी का अलग अलग जो पिन में सब कुछ ओपन किया था। तो दोस्तों उसके बाद चलिए फिर भी सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया, और देखने के बाद ये रेगुलेटर का पास फर्स्ट आपको देखा था, देखिए 8 वोल्ट ओके है, और ये पिन पर 5 वोल्ट मिसिंग। दोस्तों देखिए अभी 5 वोल्ट आ गया, अब ध्यान से देखिए ये ट्रांजिस्टर पिन पर 5 वोल्ट आ गया, देखिए दोस्तों। तो थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन है, लेकिन तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये जो 5 वोल्ट ड्रॉप था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका रीजन क्या है, तब देखा है आपको, देखा है कि ये जो ट्यूनर का पिन पर 5 वोल्ट, ये देखिए आपको और ध्यान से दिखाता हूँ, ये पिन मैं ट्यूनर का पिन मैं ओपन कर दिया, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है, ठीक है। और आपको फर्स्ट जो बताया, ये आईसी का 36 नंबर पिन पर वोल्टेज जाता है, देखिए 36 नंबर पिन पर वोल्टेज ओके है,
और 47 नंबर पिन ये देखिए 5 वोल्ट ओके आ गया। ठीक है दोस्तों, ये ओके आ गया। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर क्या रिजल्ट आता है। देखिए देखिए दोस्तों, इसका लाइट बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों आपको और कंफर्म करने के लिए आपको जो देखूंगा, देखिए ये पिन पोर्ट तो 5 वोल्ट ये लाइन ओके हो गया, आईसी का पास वोल्टेज चला गया, तो इसीलिए ये आईसी पूरा तरह से ऑन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये पिन में ओपन करके रखा है और इसका जो साइड जो फॉयल लाइन यहाँ पर देखिए वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों मीटर से मैं ये पॉइंट को शॉर्ट कर देता हूँ, ये कॉर्ड से। देखिए जब मैं शॉर्ट कर देता हूँ, देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया और स्क्रीन पर अब देखिए, ये देखिए वो लाइन आ गया। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लाइन को मैं छोड़ देता हूँ, देखिए मैं छोड़ दिया और स्क्रीन पर अब देखिए इसका लाइट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और ये वीडियो देख के आपको एक नया प्रॉब्लम अब ये देख के आपको बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों इसीलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहते हो तो आप ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है। ठीक है, वो ग्रुप पर आप आके आपका अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।